तेज गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के साथ भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड को 169 गेंद से 38 विकेट से हरा दिया। गेंद से 37 न्यूजीलैंड पर भारत की सबसे बड़ी जीत है। मैन ऑफ द मैच मोहम्मद शमी की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों ने मेहमान टीम को 34.3 ओवरों में 108 रन पर ढेर कर दिया था। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने 51 रन की मदद से 20.1 ओवर में 2 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। सुमन गिल ने 53 गेंदों में 40 रन बनाकर अविजित रहे। ईशान किशन 8 रन बनाकर चौका लाकर जीत दिलाई। भारत वनडे प्रारूप में पिछले 4 वर्ष से घर में कोई श्रृंखला नहीं हारा है। घरेलू मैदान में पिछली सीरीज मार्च 2019 में ऑस्ट्रेलिया से 2-3 से गवाई थी। भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त के साथ किसी भी टीम के खिलाफ 50 ओवर में लगातार 7वीं सीरीज जीती है।